हेलो एवरीवन। सो कंपनी है साउथर्न पेट्रोकेमिकल्स। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है आज 14 अप्रैल। सो जैसा कि बताया मैंने लास्ट वीडियोस में भी कि इस कंपनी के अंदर बन रहा था एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न, यानी कि कप एंड हैंडल प्लस ATH वाला पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट हुआ था। बट कैंडल्स ने अनफॉर्चुनेटली जो क्लोज दिया है वो ब्रेकआउट लाइन से नीचे दिया, यानी कि कैंडल्स ने ऊपर तो क्लोज किया था, यानी कि ऊपर तो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, बट क्लोज होते होते कैंडल आ गई नीचे। अब हो क्या रहा है इसके अंदर कि जो चार्ट पैटर्न है वो अभी भी एक साइडवेज मार्केट परफॉर्म कर रहा है। सो अभी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो मूवमेंट चल रही है वो अपने सपोर्ट के ऊपर है या सपोर्ट के नीचे, यानी कि जो कैंडल्स प्ले कर रही हैं वो अभी भी अप ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं या फिर नहीं। तो वो चीज़ों को देखने के लिए चार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे सारी चीज़ें इजीली विजुअल हैं, तो कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे। यहाँ पे एक कैंडल एक पूरे वीक की रहेगी। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अप चैनल बनता हुआ चल रहा था, यानी मूविंग जो अप चैनल था वो यहाँ से बन रहा था कुछ इस पॉइंट से, ये पॉइंट थे कुछ, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही थी। ठीक है, साफ देख सकते हैं कि इस पैटर्न को कैंडल्स ने काफी अच्छे टाइम से फॉलो किया है, 2020 से, यानी कि इस पॉइंट से पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ था, और कैंडल्स अभी भी इसी पैटर्न में बनते हुए चल रही है। लास्ट टाइम की मूवमेंट क्या थी कि लास्ट टाइम जो कैंडल्स बन रही थी वो कुछ इस पॉइंट पे थी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कैंडल्स ने अपना सपोर्ट बनाया है उसी ट्रेंड लाइन पे जो उसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी था। यहाँ पे एक दो मंथ कैंडल रहने के बाद में लास्ट मंथ ने कैंडल ने फिर से मूव अपसाइड में दे दिए, कुछ इसी तरीके से। अगर इसी टाइप से मूवमेंट चलता रहा तो हो सकता है कि कैंडल्स अपना जो हाई है, यानी कि यहाँ पे इसका कप का ब्रेकआउट हो रहा है, वो भी कैंडल्स जल्दी ही ब्रेक कर दें। ओवरऑल देखा जाए तो ये पैटर्न जो चैनल पैटर्न बन रहा है, जो ऊपर जाते हुए चैनल बन रहा है इस पैटर्न के अंदर, हो सकता है कि आगे के लिए कंपनी इसी पैटर्न में चलते हुए देखें काफी लंबे समय के लिए। सो देखते हैं, फिलहाल तो कैंडल से सपोर्ट बना लिया है अपना, सपोर्ट बना के ट्रेंड को चेंज ऊपर की तरफ घुमा दिया, यानी कि प्रॉपर जो डाउन साइड में मार्केट आ रही थी उससे ट्रेंड होकर होके चेंज ऊपर जाने लग गया वापस, यानी कि कैंडल सब ऊपर जाने को ट्राई कर रही हैं। अब देखते हैं कि कैंडल्स कितने वक्त में अपना ये पॉइंट ब्रेक कर पाएंगे जिसका ऑल टाइम हाई बना हुआ है 103 रुपए के आसपास का लेवल। सो वेट करके देखते हैं क्या चीज़ और रहने वाली है मार्केट के अंदर। दिस इज एजुकेशनल पर्पज ऑनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।